हरदोली गांव में जमीन को लेकर भाई से धोखाधड़ी का शिकार हुए भाई ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। वैसे तो जमीनी विवाद को लेकर कई मामले सामने आते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला रीवा जिले के जबा तहसील अंतर्गत हरदोली गांव का है, जहां के रहने वाले कमलेश मिश्रा ने बताया कि उनके भाई ने जमीन को लेकर धोखाधड़ी किया है और वो आत्महत्या करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे भाई ने जय नारायण मिश्रा, हम दो भाई हैं, वो अपने लड़के के नाम पूरी जमीन हमारे नाम की भी करा लिया है। अच्छा, आपको कैसे पता इस चीज के लिए? हमको पता चला, मैं अपने भाई से पूछा कि चलो वारसाना कराने का है, तो वो हमको बोला कि अभी दो चार महीने रुक जाओ, इसके बाद वारसाना हो जाएगा। मैंने कहा कि वारसाना कब होगा, तो बोला दो चार महीने रुक जाए, इसके बाद होगा। तो मैं पुणे से हरदोली आया और यहाँ पता लगाया, तो वो सब अपने लड़के के नाम फर्जी काम करा दिया, पूरा करा दिया। इसके बाद मैं उसको बोला कि तुम ये क्या करा, इसके बाद मैं जवा गया, वहाँ से नकल लिया और पूरा मेरे को मालूम हुआ। इसके बाद मैंने क्या कहा था, क्या कहा थे बोली, सभी लोगों का जो क्या कहा था फर्जी कराए थे, उनका नाम है दिनेश कृष्णपाल पांडे, गवाह में है और परिचयकर्ता में है दिनेश प्रसाद तिवारी और गौरव प्रसाद तिवारी है। ये लोग कहाँ के हैं सब लोग? कोनी। अच्छा, कोनी के हैं और लोक सेवा केंद्र चलाते हैं गौरव प्रसाद। कुल मिला के देखा जाए तो ये जितना वसीयत नामा हुआ है फर्जी तरीके से हुआ है, आपका ये कहना है? हाँ, जितना ये कार्य पूरा हुआ है ये सब फर्जी किया गया है। और क्या कहा था, इससे हमारा अनुरोध है कि हमको 1/2 मिलना चाहिए, क्योंकि मैं दो भाई हैं, जय नारायण मिश्रा और कमलेश कुमार मिश्रा। जय नारायण मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है। अच्छा, और हमारे पिता का देहांत 4/11/2022 को है, जिसमें हम पूरा पैसा अपने से लगाया। अच्छा, 3.5 लाख रुपया मेरा लगा, उसमें मेरा भाई छोटा भाई एक पैसा नहीं दिया। खबरदार न्यूज के साथ धन्यवाद।